खबर है मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना प्रभारी को धमकी देने वाले छुटे भैया नेता को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने नेता के पास से कार, तमंचा और दो कारतूस बरामद किए। चरथावल थाना प्रभारी को धमकी देने का ऑडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होने के बाद चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने छोटे भैया नेता की तलाश शुरू की। शाम 4 बजे के करीब चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि छुट भैया नेता अपने साथियों के साथ फरार हो गए। सूचना पर हिंडल पुलिस चौकी इंचार्ज मोहित तेवितिया व दुधेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा ने पुलिस टीम के साथ घिसुखेड़ा छाल कोटेश्वरा नहर पटरी पर चेकिंग अभियान शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया तो छोटे भैया नेता ने पुलिस टीम की ओर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छोटे भैया नेता लियाकत निवासी नियामू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 अन्य साथी पुलिस को। आपको बता दें कि नेता पर गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी से अभद्र भाषा में बात करने के संबंध में वायरल हुए ऑडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित अपराधी लियाकत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है व जेल भेजा जा रहा है। अगले 7 दिनों में उसके अपराधी के इतिहास को देखते हुए उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर की कार्रवाई के उपरांत 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी लियाकत व उसके साथियों व उसके परिवारजनों में जो भी लोग इस अपराधी गतिविधि में उसके साथ संलिप्त रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी की जाँच करके संबंधित अभियुक्तों की प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।